तो हेलो गाइस, कैसे आई हो आप लोग? क्या आप लोग अच्छे होंगे? सो गाइस, एक वीडियो इंस्टाग्राम रील पर बहुत ज़्यादा इशू वायरल हो रही है, आशिका भाटिया का कुछ ये वाला वीडियो। सो गाइस, ये वाली वीडियो का भी ट्रेंड आने वाला है, क्योंकि इस वाली वीडियो में आशिका भाटिया ने खुद लिखा है ट्रेंडिंग। तो अभी कभी ऐसे वीडियो बना के अपनी वीडियो को वायरल कर ले। सो गाइस, ऐसे वीडियो कैसे बनाना आज की वीडियो में कंप्लीट ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। बट गाइस, उससे पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे। आज के वीडियो को लाइक में रखते हैं 500 लाइक, तो फटाक से 500 लाइक कर दीजिएगा। और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल में विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर दें। सो गाइस, लेट ना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो एडिट करने के लिए एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है काइन मास्टर। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अगर मेरा वाला काइन मास्टर चाह रहे हैं प्रो वर्जन वाला विदाउट टटर मार्क, तो ये रहे मेरी स्टाइडी, मेरे को यहाँ से फॉलो कर ले। यहाँ से मैं अपना वाला काइन मास्टर लिंक दे दूंगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ से प्लस वाला आइकन पर ऐसे क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आपको तीनों रेशियो मिल जाएंगे। यहाँ से 9:16 रेशियो बीच वाला रील का जो रेशियो, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने बाद यहाँ से आपको क्या करना होगा, जो अपनी वीडियो शूट किए रहेंगे आप वो वीडियो अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए मैं यहाँ से एक वीडियो यहाँ से मैं ले लेता हूँ, देख लेंगे। यहाँ से मैंने ये वीडियो ले लेता हूँ, यहाँ से ओके पैसे क्लिक कर लेंगे। तो ये वीडियो हम लोग की नीता की है। तो अभी जो ये वीडियो बहुत ही नॉर्मल वीडियो है, तो सबसे पहले इस वीडियो में हमारा साउंड है, उसको साउंड को हम बंद कर लेंगे। हम लोग यहाँ से वीडियो पर ऐसे क्लिक करके साउंड वाले ऑप्शन में चलेंगे, इसको यहाँ से बंद कर देंगे। इसके बाद गाइस, आपको क्या करना होगा, यहाँ से कैच वाले ऑप्शन में ऐसे जाना पड़ेगा और इसको यहाँ से 3 से 4 पार्ट में आपको वीडियो को कट कर लेना होगा। तो यहाँ से आप इसको कट कर लीजिएगा यहाँ से। इसके बाद आप यहाँ पर जैसे आएंगे यहाँ पर, आप इसको यहाँ से भी कट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर आना होगा और यहाँ से इसको कट कर लेंगे। यहाँ से देख लेंगे हम लोग की वीडियो यहाँ से हम लोग की कट हो गई। इसके बाद इस वाले पार्ट को आप यहाँ से उसको चाहेंगे तो इसको छोटा बड़ा भी कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे एडजस्ट कर ले रहा हूँ, यहाँ से देख लेंगे कुछ इस तरह कैसे हो गया। ओके पैसे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद हमें क्या करना होगा, इस वाले हमें बीच में अपना फोटो ऐड करना होगा इस क्लिप का। तो आपको क्या करना होगा, आप सबसे पहले आप फर्स्ट वाले क्लिप पर ऐसे क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ से आपको लास्ट पोजिशन में आना पड़ेगा फर्स्ट वाले क्लिप के। और यहाँ पर आपको ओके पैसे क्लिक करने के बाद आपको जो ये ऑप्शन दिख रहा है आपको इस पैसे क्लिक करके यहाँ से कैप्चर एंड ऐड ए क्लिप वाले पैसे आपको क्लिक कर देना होगा। तो इसका फोटो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इसके बाद आपको फिर से इस वाले पार्ट में जाना पड़ेगा, लास्ट पोजीशन में ऐसे चलेंगे और यहाँ सही वाले टिक पर ऐसे क्लिक करने बाद फिर से आपको इस पर क्लिक कर देना होगा और यहाँ से ऐड ए क्लिप वाले पर ऐसे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे फिर एक फोटो हम लोग का ऐड हो गया। इसके बाद हम लोग इस वाले ऑप्शन पर भी चलेंगे, अपने फोटो वाले पर लास्ट पोजिशन में ऐसे चलेंगे और जाने के बाद आपको इस पर ऐसे क्लिक करके तो आपको कुछ इस तरह का ऐसे आपको क्लिप ऐड कर लेना होगा। सो गाइस देख लेंगे यहाँ से मैंने सारे फोटो का क्लिप यहाँ पर ऐड कर लिया यहाँ पे। तो आपको कुछ इस तरह का ऐसे कर लेना होगा। इसके बाद आपको क्या करना होगा, इस वाले फोटो का आपको कलर ग्रेड करना होगा, जो कि ये हम लोग का जो वीडियो है अभी कुछ इस तरह का है, तो इसको हम फोटो कलर ग्रेड कर लेंगे। तो कलर ग्रेड करने के लिए आपको जो फोटो का यहाँ पर लिए हैं ऐड किए हैं आपको क्लिप, आपको उस पर ऐसे क्लिक करके आपको यहाँ से कलर वाले ऑप्शन में ऐसे जाना पड़ेगा और यहाँ से आपको कोल्ड के नीचे जो आपको दिख रहा है यहाँ से आप जो ये वाला दिख रहा है आपको इस पर ऐसे क्लिक कर देना होगा। इसके बाद यहाँ से आप इसका कलर भी चूज कर सकते हैं। जैसे मैं इस वाले कलर पर ऐसे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ से हम लोग कुछ इस तरह का ऐसे कलर होगी। आप चाहे तो आप ये कलर ले सकते हैं, तो आपको जो पसंद में ये कलर ले लीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना होगा, इसका एडजस्ट कर देंगे आपको। आपको अच्छे से इसका कलर ग्रेड करने के लिए आपको यहाँ से एडजस्टमेंट वाले पैसे क्लिक कर देना होगा और यहाँ से इसका ब्राइटनेस आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेंगे, देख लेंगे कुछ इस तरह कैसे। तो अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, जैसे मैं यहाँ से इसको कर रहा हूँ। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके आना होगा, यहाँ से आप अच्छे से अपने हिसाब से इसको कर लीजिएगा। यहाँ से इसको भी आप बढ़ाना चाह रहे थे, यहाँ से इसको अप कर लीजिएगा अपने हिसाब से। यहाँ से तो थोड़ा मैं इसको यहाँ पे ऐसे रहने देता हूँ, क्योंकि अभी हम लोग का कुछ इस तरह कैसे हो रहा है। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके आना होगा, यहाँ से हाईलाइट वाले पैसे आपको कुछ इस तरह कैसे आपको कर देना होगा। यहाँ से थोड़ा इसको मैं रहने देता हूँ। इतना करने बाद आपको यहाँ से अच्छे से इसको शेडो भी देना चाहते हैं आप दे लीजिएगा कुछ यहाँ से। तो आपको कुछ इस तरह कैसे आपको ऐसे आपको बना देना होगा। करने बाद ओके पैसे क्लिक कर लेंगे तो कुछ इस तरह कैसे हो गया। इसके बाद ये हम लोग की वीडियो है यहाँ से। फिर इसके बाद हम लोग का ये जो फोटो, इस पर भी हम कलर ग्रेड कर लेंगे। तो आपको यहाँ से आपको कलर इफेक्ट फिल्टर वाले में जाना पड़ेगा। फिर से हम लोग इस वाले ऑप्शन पैसे चलेंगे और यहाँ से कोई एक कलर फिर से हम ले लेते हैं यहाँ से, जैसे देख लेंगे ये वाला कलर। लेने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ से एडजस्टमेंट में चलेंगे, यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे और जाने के बाद इसका यहाँ ब्राइटनेस अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ से कॉन्ट्रास्ट अपना देख लीजिएगा और यहाँ से ये देख लीजिएगा। देखने के बाद नीचे स्क्रॉल करके चलेंगे, आप इसको यहाँ से अच्छे से एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए मैं इसको यहाँ से ऐसे कर देता हूँ तो आपको थोड़ा लाइट आ जा रहा है यहाँ से। तो आपको कुछ इस तरह कैसे आपको अच्छे से अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ से देख लेंगे ब्लैक शैडो हम लोग का ऐसे लग गया, यहाँ से ओके पैसे क्लिक कर लेंगे। चलिए तो मैं आपको यहाँ से दोनों फोटो में और आपको करके दिखा दे रहा हूँ जल्दी से, चलिए देख लेंगे। सो गाइस देख लेंगे, यहाँ से मैंने चारों फोटो का यहाँ पे कलर ग्रेड कर लिया कुछ इस तरह का।
तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको यहाँ से फोटो वाले पार्ट पर ऐसे क्लिक करके आप इसको यहाँ से इसको छोटा कर लीजिएगा। यहाँ से जैसे देख लेंगे, यहाँ से मैं इसको छोटा कर लिया। इसके बाद हम लोग की वीडियो यहाँ से इस वाले फोटो पर ऐसे क्लिक कर लेंगे और यहाँ से इसको भी हम छोटा कर लेंगे। यहाँ से तो अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग फिर से इस वाले फोटो पर ऐसे क्लिक करके इसको भी अपने हिसाब से उसको छोटा कर लेंगे। यहाँ से देख लें कुछ इस तरह का ऐसा आपको छोटा कर लेना होगा। फिर इसके बाद इस वाले फोटो भी ऐसे क्लिक करके आपको यहाँ से इसको छोटा कर देना होगा। यहाँ से इसको पकड़ के ऐसे देख लें कुछ इस तरह का ऐसे हो गया। इसके बाद ओके पर ऐसे क्लिक कर लेंगे। तो गाइज इसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें म्यूजिक ऐड करना होगा, वही वाला म्यूजिक। तो गाइज वो वाला म्यूजिक के लिए मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लिए, मेरी इंस्टा आई डी, मैं इसका म्यूजिक आपको वहाँ पर भेज दूंगा। तो आपको अगर पास कोई उसका वीडियो है उसका म्यूजिक ही निकालना है तो आपको यहाँ आपको क्या करना होगा, लेयर वाले ऑप्शन में ऐसे जाना पड़ेगा। जाने के बाद मीडिया के ऑप्शन में चलेंगे और वो यहाँ पर आप आशिका भाटिया का वो वीडियो ले लेंगे। चलिए मैं वो वीडियो में ले लेता हूँ। यहाँ से देख लेंगे ये वाला वीडियो है। तो नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो एक ऑप्शन आपको मिलेगा एडजस्ट ऑडियो का। एडजस्ट ऑडियो पर क्लिक कर लेंगे तो हम लोग का ऑडियो अलग वीडियो अलग हो जाएगा। इसके बाद वीडियो पर ऐसे क्लिक करके इसका वीडियो डिलीट कर लेंगे। सो गाइस देख लेंगे कुछ इस तरह कैसे हो गया। तो एक बार अगर वीडियो आपको प्ले करके आपको दिखाऊं देख लें कुछ इस तरह कैसे हम लोग का वीडियो बन गया। सो गाइस आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हुई तो आप इस तरह करके आपको वीडियो बना लेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो गाइस चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ, इस वीडियो को अपने गैलरी में सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। यहाँ से ऊपर आपको तीर वाला ऑप्शन दिख रहा है, आपको तीर वाले ऑप्शन पर ऐसे क्लिक कर देना होगा। इसके बाद अपना रेश्यो मिलाने के बाद एक्सपोर्ट की ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। सो गाइस आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज मिला होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं फ्यूचर में अच्छे वीडियो का ट्यूटोरियल लेके आऊँ तो आप उसको मिस ना कर पाए। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Hard to breathe, but that's alright. Hush.